स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस चैनल में। आज के वीडियो में आपको माइक्रोमैक्स भारत को गूगल अकाउंट बाईपास कैसे करेंगे ये मैं कंप्लीट प्रोसेस आपको बताऊंगा। देख सकते हैं इतने सारे मॉडल के फ़ोन इस प्रोसेस के साथ हो जाएंगे आपको अगर FRP लॉक या गूगल अकाउंट लॉक लग जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्लिक करना है गेट स्टार्टेड पे। बीच में येलो कलर की दिख रही है, इसको पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ से आपका सबसे पहला काम होगा कि आप वाईफाई कनेक्ट कर ले किसी अन्य के मोबाइल से या फिर आपके पास और कोई मोबाइल होगा उससे। तो चलिए मैं वाईफाई को अपना कनेक्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप पूरी कंप्लीट प्रोसेस कैसे करेंगे। ये बहुत सारे मोबाइल में अप्लीकेबल है, जहाँ पर भी इससे यूट्यूब में पहुँचा जा सकता है। तो देखिए यहाँ से आप पासवर्ड डाल के इसको कनेक्ट कर सकते हैं आपके नज़दीकी वाईफाई से। मैं अपना को कनेक्ट कर रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और मेरे साथ साथ मेरे सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो इजी वे में आपका बिना किसी कंप्यूटर या बिना किसी रिपेयरिंग शॉप जाए हुए भी हो सकता है। तो चलिए यहाँ से बैक चलते हैं, आपको आगे नहीं जाना है क्योंकि वहाँ पे जीमेल अकाउंट खुजती है। बैक चलते हैं। बैक जाने के बाद फिर से आपको बैक करते हुए होम स्क्रीन पे पहुँच जाना है। देखिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि मेरी वाईफाई कनेक्ट है या नहीं। देखिए यहाँ देख सकते हो ऊपर की ओर कनेक्टेड शो कर रही है। तो कनेक्ट हो जाए उसके बाद आपको बैक चलना है। बैक जाने के बाद होम स्क्रीन पर आएगी और अपने दो फिंगर से आपको मोबाइल के स्क्रीन पे टच करते हुए रखना है। देखिए कुछ इस तरह से आपको कुछ देर के लिए इसे ऐसे ही टच करके रखना है जब तक कि वॉइस ना शो होने लगे और इसमें ऑप्शन ना खुल के आ जाए। देखिए इस तरह से ऑप्शन आएगी और यहाँ पे आपको एल बनाना है कुछ इस टाइप से। एल बनाने के बाद इतने सारे ऑप्शन खोलेंगे, इसमें आपको टॉकबैक सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक बार क्लिक करेंगे और दो बार जल्दी जल्दी क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको बंद कैसे करना है टॉकबैक को ये मैं बता देता हूँ। ऊपर की ओर वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस को एक साथ कुछ सेकेंड के लिए प्रेस करेंगे तो ये बंद हो जाएगी, डबल क्लिक के साथ सेलेक्ट होती है। जल्दी जल्दी से दो बार क्लिक करेंगे ओके हो जाएगी। यहाँ से फिर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है और नीचे जाते हुए सबसे नीचे ऑप्शन आप देखिए थर्ड नंबर में हेल्प एंड फीडबैक पे जाएंगे। इस पर क्लिक करने के साथ यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर के फर्स्ट ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ यूट्यूब पेज खुलेगी तो यहाँ पे आपको प्ले के बटन पे प्ले कर देना है। कुछ देर में ये चलेगी, कुछ टाइम लेती है प्ले होने में। ऊपर देख सकते हैं स्विच एक्सेस लिखी हुई जो वर्ड आ रहे हैं उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ आप यहाँ से यूट्यूब के पेज पर आ जाओगे। यहाँ से इसको स्क्रॉल डाउन कर दें और नीचे देखिए कुछ इस तरह से स्क्रॉल डाउन कर दे। यहाँ पे आदमी बने हुए शेप आएगी तो उस पर आपको क्लिक करके टर्म एंड प्राइवेसी पे क्लिक करना है। इसके बाद इसको नो थैंक्स कर दे। इस तरह से आप क्रोम के पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ से आपको एक ऊपर एड्रेस बार में आपको टाइप करना है मोबाइल सॉल्यूशन पॉइंट। तो चलिए मैं टाइप करता हूँ, आपको टाइप करना है मोबाइल सॉल्यूशन पॉइंट। देखिए सबसे नीचे आपको दिखाई दे रही होगी मोबाइल सॉल्यूशन पॉइंट .com, इस पर आपको क्लिक करना है या फिर पूरी टाइप भी आप कर सकते हो अगर आप में शो ना करे तो। यहाँ से इसके साइड पे आप आ जाओगे, ऊपर की ओर देख सकते हैं यहाँ पे तीन डॉट दिखाई दे रही होगी आपको, इसको एक्सेप्ट कर दे। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको चार लाइंस दिखाई दे रही हैं, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे पे FRP ऐप का ऑप्शन है, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए जो पेज खुलेगा उसमें नीचे जाते हुए यहाँ पे आपको दो एप्लीकेशन डाउनलोड करने पड़ेंगे। पहला तो गूगल अकाउंट मैनेजर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ से देखिए एक अपेक्स लॉन्चर भी, सैमसंग गूगल अकाउंट बाईपास को आपको डाउनलोड करना है।
इससे आपकी माइक्रोमैक्स मोबाइल है फिर भी वो हो जाएगी, आपको उतना टेंशन नहीं लेना। देखिए यहाँ पे अलाउ करेंगे तो अलाउ क्लिक नहीं होती है, अगर क्लिक हो जाए तो अच्छी बात है। यहाँ पे फिर से आपको क्लिक कैंसिल करके क्लिक करना, और यहाँ पे डोंट शो अगेन के ऑप्शन पे क्लिक करके डेनी कर देना है, ठीक है। ये करने के बाद आपको और एक बार इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे ऑप्शन खोल के आएगी कंटिन्यू का, यहाँ से आपको देख सकते हैं ये क्रोम का पेज खुल के आएगी। इसमें आप देखिए थर्ड नंबर में परमिशंस का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करके इसको सबको ऑन कर देना है, आपका काम यही है, ये चारों को ऑन कर दे। देखिए ये टॉक बैक के ऑप्शन है जो मैसेज शो कर रही है वो वाली, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। बैक चलेंगे, अब इसको हम इंस्टॉल करेंगे तो देखिए आ रही है एप्लीकेशन डाउनलोड करने के ऑप्शन आ गई है। तो इस तरह से ये एप्लीकेशन डाउनलोड होगी, और इससे ऊपर एक देख रहे अपेक्स लॉन्चर करके एप्लीकेशन, इस पर भी आपको क्लिक करके इसको भी डाउनलोड कर लेना। देख बता रहा हूँ मैं डाउनलोड, देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे डॉट वाले पे तो यहाँ पर डाउनलोड में जा सकते हैं आप क्रोम के पेज में। तो देखिए ये दोनों फाइल हमारे डाउनलोड होने लगी है, देखिए एक फाइल डाउनलोड हो चुकी है, एक फाइल 6 MB की है और एक 28 MB की फाइल होती है। तो ये दोनों डाउनलोड होने के लिए आप छोड़ दें। डाउनलोड होने के बाद देखिए अपेक्स लॉन्चर को सबसे पहले मैं इंस्टॉल करूँगा, यहाँ पे सेटिंग में, सेटिंग के बाद नीचे जाते हुए अननोन सोर्स को आपको ऑन करना है। देखिए ये ऑप्शन सबसे लास्ट में नीचे शो कर रही है, इस पर आपको एक बार क्लिक करके इसको ओके कर देना है। फिर से अगेन बैक चलेंगे, बैक जाने के बाद यही देख सकते हैं अपेक्स लॉन्चर को हम फिर से इंस्टॉल करेंगे तो ये अब डायरेक्टली इंस्टॉल होने लगेगी। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपका काम हो रहा होगा। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो ज़रूर हो जाएगी, आपको किसी दुकान में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ओपन करने के साथ ही हम लोग इसके पेज पे आ गए हैं, इस तरह से मीनू खोल के आ गई। अब यहाँ से हमको जाना है, पहले तो सेटिंग में जाएंगे, चलिए चलते हैं। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ नीचे जाते हुए खोजते हैं कि सेटिंग है कहाँ। देखिए ये शो कर रही है सेटिंग, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप नीचे जाएंगे, मैं बताता हूँ आपको, एक ऑप्शन होगी यहाँ पे सिक्योरिटी का ऑप्शन, तो सिक्योरिटी में नीचे देखता हूँ कहाँ किधर है, ये सिक्योरिटी का ऑप्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पे से नीचे और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर का ऑप्शन है, इस पे आपको देख सकते हैं यहाँ किसी पे टिक नहीं है। कोई कोई एप्लीकेशन में ये ऊपर वाली ऑप्शन टिक रहते हैं, उस पर एक बार क्लिक करके आपको ऑफ करके ही प्रोसेस करना है। आपके दूसरे मॉडल के होंगे फ़ोन तो हो सकता है ये आ जाए, इसीलिए मैं आपको दिखा दे रहा। इसके बाद ऊपर जाते हो एप्लीकेशन में जाएंगे और यहाँ पे देखिए 3 डॉट के ऑप्शन है, इसमें आपको क्लिक करके इसको कर देना है। स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे जाएंगे और यहाँ पे हमको काम होगा कि 3 एप्लीकेशन को डिसेबल करना है, मैं दिखा दे रहा हूँ किसको किसको। देखिए एक गूगल अकाउंट मैनेजर है, इसको आपको डिसेबल करना है, इसको ओके कर देते हैं। तो देखिए इस तरह से ये डिसेबल हो जाएगी। एक बार बैक करेंगे, और 2 एप्लीकेशन है, एक तो गूगल प्ले सर्विस, देखिए गूगल प्ले सर्विस को भी आपको डिसेबल करना है, क्लिक करेंगे और ओके कर देना है। तो यहाँ से ये भी डिसेबल हो गई, बैक करेंगे और यहाँ से और एक बार इसको बैक कर देंगे, ये ऑप्शन आएगी तो बैक कर देते हैं। देखिए ये गूगल प्ले स्टोर को, ये तीनों एप्लीकेशन को आपको डिसेबल कर देना, कर दिए हैं, देखिए तीनों मैंने डिसेबल कर दी है। अब पुनः बैक चलेंगे क्रोम पे, बैक करता हूँ मैं, देखिए ये क्रोम ऑप्शन है तो क्रोम पे हम लोग क्लिक करते हैं और वो एप्लीकेशन जो हमने डाउनलोड कर में चढ़ाया हुआ था वो डाउनलोड हो चुकी होगी। डाउनलोड में देखिए सैमसंग गूगल अकाउंट मैनेजर 7.0 ये आ गई है, इसको हमको सिंपली इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल होने देते हैं, ये इंस्टॉल होने में कुछ टाइम लेती है तो आप वेट कर लें इसका इंस्टॉल होने तक। इंस्टॉल होने के बाद आगे की प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको बस फॉलो करना है और आपकी मोबाइल गूगल अकाउंट बाईपास हो जाएगी, टेंशन नहीं लेना है। देखिए इंस्टॉल हो रही मेरी। दोस्तों उम्मीद करूंगा कि अगर आपका काम पूरा हो जाए और आप सक्सेसफुली कर ले
तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए इसको डन कर देते हैं। डन करने के बाद ऊपर वाले अपेक्स लॉन्चर को फिर से हम लोग इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि बैक जाने से दिक्कत ये होता है कि हम होम स्क्रीन में कभी कभी पहुंच जाते हैं, तो ये नहीं करना है। चलिए डाउनलोड पे क्लिक करके यहाँ को फिर से अपेक्स लॉन्चर को दोबारा इंस्टॉल कर लेते हैं, करने में कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टॉल हो जाएगी उसके बाद इसको हम लोग ओपन करेंगे तो फिर से होम स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे। इंस्टॉल हो रही है, वेट कर लेते हैं कुछ देर जब तक ये इंस्टॉल हो जाए। चलिए इंस्टॉल हो गई, इसे ओपन का ऑप्शन आ गए हैं तो इसे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। देखिए फिर से हम लोग मेनू में आ गए हैं, चलिए इस पर क्लिक करते हैं और अब हम लोग जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद नीचे जाते हुए सर्च करना है हम लोग को। अकाउंट सर्च करना है किधर, देखिए ये अकाउंट्स, अकाउंट्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड अकाउंट है, इस पर आपको क्लिक करना है। और देखिए ब्लू कलर की गूगल शो कर रही है, इसको हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी आपको ईमेल आईडी याद होगी, जिसका कि पासवर्ड आपके पास होगा, उसे आपको यहाँ पे इंटर कर देना। अगर आपके पास नहीं होगा तो आप गूगल से बना सकते हैं इजली, दो चार स्टेप लगते हैं, वो आप बना सकते हैं इजली। देखिए मेरे पास है गूगल अकाउंट तो मैं ये डाल रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि आपको कैसे कैसे करना है। आपके पास नहीं होगी तो अगर दोस्तों के पास होगी तो उनका भी ईमेल आईडी और पासवर्ड आप इसे ऑन करने के लिए ले सकते हैं। देखिए इसे मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया है और यहाँ से मैं अपना पासवर्ड डालता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद आपको सिंपली बस नेक्स्ट कर देना है। यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और इसको आई एग्री का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए कुछ देर होगी ये चेकिंग और ये ऑप्शन खोल के आएगी, देखिए ओपन ऐप्स अगेन करके, तो यहाँ से आपकी इंस्टॉल हो चुकी है। बस सिंपली अब आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद फिर से सेटिंग में वो जो तीन एप्लीकेशन हमने डिसेबल किया था उसे हम लोग का काम है कि इनेबल कर ले, तो चलिए वो तीनों एप्लीकेशन को हम लोग इनेबल करते हैं। यहाँ जाएंगे और शो सिस्टम पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद नीचे जाते हुए देखेंगे गूगल अकाउंट मैनेजर, गूगल प्ले सर्विस और गूगल प्ले स्टोर, ये तीनों एप्लीकेशन को हमने डिसेबल किया था, तो चलिए इसे फिर से इनेबल कर देते हैं। ये स्टेप आपको करनी ज़रूरी है, नहीं तो यहाँ से अगर आप स्विच ऑफ करके ऑन करते हैं तो होती यह है कि चेकिंग प्रोसेस लिखने के बाद ये स्टेप आगे बढ़ते ही नहीं, तो आगे करके दिखाऊंगा मैं कि कैसे कैसे होगी आपकी। चलिए इसे डिसेबल कर देते हैं। डिसेबल करने के बाद इसको भी, गूगल प्ले सर्विस को भी डिसेबल कर देते हैं। बिल्कुल नया मेथड मैं आपको बता रहा हूँ जिससे कि ईजिली आप अपने मोबाइल को कर पाएंगे। देखिए ये सारे तीनों एप्लीकेशन डिसेबल करने के बाद आप इसे फ़ोन को सेट कर दें, ठीक है, रिस्टार्ट कर देना है। उसके बाद जब ये ऑन होगी तो मैं आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ कि ये कैसे कैसे करनी है। दोस्तों मैं वीडियो को रोटेट करके बनाता हूँ तो इसका मोटिव मेरा यही रहता है कि आपको वीडियो बड़ी सी दिखे और सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। मोटिव मेरा मेन यही है कि मैं वीडियो पे क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, मुझे वीडियो को अच्छा बनाना है, इस पे जोर नहीं रहता है। मेरा वीडियो का मोटिव यही है कि आप सीख जाए और आपके मोबाइल गूगल अकाउंट बाईपास हो जाए सिंपली। तो देखिए ये होम स्क्रीन खोल के आई है ऑन होने के बाद और यहाँ से फिर से आपको टॉक बैक को ऑफ करना है। बताया है पहले ही मैंने कि बंद कैसे करना है। वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस को एक साथ कुछ सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो ऑप्शन खोल के आते हैं और उसको सिंपली डबल क्लिक से ओके कर देना है। देखिए आ गए हम लोग वेलकम पेज पे, तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं और वो जो प्रोसेस जो हमारी आगे नहीं जा रही है, आप देखेंगे कि इसके बाद ये प्रोसेस आगे जाने लगेगी। वाईफाई को आपको बंद नहीं करना है, इस बीच में ऑन ही रहने देना है।
और वो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाती है, आपको फिर से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए ये कुछ टाइम लेती है ये वाली स्टेप्स होने में, तो आपको पेशेंस के साथ बस देखते रहना है कि ये कैसे धीरे धीरे हो जाएगा। देखिए चेकिंग नेटवर्क आ रही है, देखिए सॉफ्टवेयर अपडेट के ऑप्शन आ गई, ये कुछ सेकेंड में अपडेट होती है। देखिए यहाँ से नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करने के बाद वो जो आपके स्टेप आगे नहीं जा रहे थे अब वो ये आगे जाने लगेगी। जस्ट ए सेकेंड वेट करने बोल रहा है तो वेट कर लेते हैं, ये कुछ टाइम लेती है। इसके बाद आपकी मोबाइल जो है वो ऑन हो जाएगी और इस FRP से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपके मोबाइल में नहीं रहेगी। स्टेप बाय स्टेप जितना भी स्टेप्स मैंने बताए हैं आप इसको करोगे तो आपकी आसानी से गूगल अकाउंट बाईपास हो जाएगी। देखिए कुछ टाइम ले रही है ये होने में, तो पेशेंस के साथ वेट कर लेंगे कि ये हो जाए अच्छे से। देखिए यहाँ से अब ऑप्शन खोल के आ गई है, देखिए यहाँ पे आपको अगर मन है लॉक लगाने का तो आप लगा सकते हैं, ना मन हो तो नहीं लगा सकते। मुझे अभी नहीं लगाना है तो नोट नाउ पे क्लिक करता हूँ और इसे स्किप एनीवे कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे एरो है राइट साइड में, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए सेटअप पे क्लिक करना है, इसको नेक्स्ट कर देना है, अगेन इसको नेक्स्ट कर देना है, इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद इसे नेक्स्ट करें और नेक्स्ट करने के बाद ये आपकी गूगल अकाउंट की जो भी समस्या थी वो आपकी दूर हो चुकी है। इतना स्टेप करने के बाद मोबाइल आपकी बन चुकी है, इसको मन हो तो अलाउ कर दें, ना मन हो तो इसे डे नहीं कर दें। करने के बाद यहाँ देखिए और कोई कोई मॉडल में होती है ये है कि यहाँ पे जो हमने नया अकाउंट जोड़ा है वो फ्लैश करते रहती है बीच बीच में, तो उसको आपको बंद करने के लिए देखिए ये मोबाइल में तो वैसे कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन और कुछ मॉडल में अगर हो जाए दिक्कत तो आपको बस करना यही है कि रीसेट कर देनी है फ़ोन को। रीसेट करने का चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप फ़ोन को रीसेट कैसे करेंगे। इसके पहले मैं बता दूँ कि वो जो हमने गूगल अकाउंट जो डाउनलोड किया था वो सैमसंग गूगल अकाउंट मैनेजर लिखा हुआ था, तो उसे आपको टेंशन नहीं लेना है, वो हो जाएगी ऑटोमेटिकली। देखिए इस पे जो मैंने स्क्रॉल किया था उस पे मैसेज आते रहती है कभी कभी कोई कोई मॉडल में, तो यहाँ से देखिए इसमें जाते हैं। इसमें जाने के बाद आपको सिंपली फैक्ट्री डाटा रीसेट कर देना है और ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं होता है वो करने। देखिए बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शन है, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं सबसे नीचे ऑप्शन फैक्ट्री डाटा रीसेट की है, इसके आपको क्लिक करना है इस पर। और यहाँ पे सबसे नीचे ऑप्शन देखिए कि रीसेट फ़ोन का ऑप्शन है, इस पर आपको एक बार क्लिक करना है, तो इसके बाद आपकी जो फ़ोन है वो फ्रेश ऑन होगी। रीसेट एवरीथिंग कर देते हैं, देखिए यहाँ से अब फ़ोन रीसेट होगी हमारी। होने के बाद आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए जाएंगे, इससे पहले मैंने बता दिया आपको कि आपको कैसे करना है तो इजीली आप कर लेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप अपना काम कर लिए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें।